भाई पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वुकोंग साइंटिस्ट एक गैजेट बनाता है जिसमें वो सारे यूनिवर्स के आदम को कैद कर लेता है ताकि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। इससे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाता है और मीटियोर्स गिरने लगते हैं, दुनिया तबाह होने लगती है। तभी रेड क्रिमिनल और इप्पू उस गैजेट को तोड़ देते हैं जिससे तबाही रुक जाती है, पर ऐसा करने पर भी आदम वापस नहीं आता। अब आगे हुए हिप्पू, यार तबाही तो रुक गई पर हमारे आदम सासा वापस नहीं आए। बाबू मोसा, ऐसा भी हो सकता है, शायद आ गए हो, घर पे हो गया। अरे नहीं हिप्पू, अगर वापस आ गए होते तो मेरे को कॉल करके गालियां देते ना, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ था। हाँ तेरी बात तो सही है क्रिमिनल, पर हमें आदम सासा को वापस तो लाना पड़ेगा ना। हाँ हिप्पू, एक काम करते हैं, हम साइंटिस्ट को मिलके उनसे बात करते हैं कि तबाही तो रुक गई पर आदम सासा अभी भी वापस नहीं आए। ठीक है क्रिमिनल, तो जाने दे साइंटिस्ट के घर पे, वहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया था मेरे साथ ही आसमान से कैसे टपका मैं। अरे ये कौन सी जगह पर आ गया मैं, ऐसी जगह तो मैंने पहली बार देखी। भाई क्या बात है, लगता है यूनिवर्स का संतुलन फिर से कायम हो गया, तबाही रुक गए वे। अरे हुकुंग भाई, अच्छा हुआ आप घर पे ही है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओए रेड क्रिमिनल, बता बता कैसे आना हुआ। ये तबाही तो रुक गई हुकुंग भाई गैजेट तोड़ने पे, पर एक बुरी खबर है, आदम सासा वापस नहीं आए। हाँ बाबू मोसाई, वो वापस नहीं आए, आपको उन्हें वापस लाना पड़ेगा। ओए ऐसा कैसे हो सकता है, आदम के वापस आए बिना ही यूनिवर्स का संतुलन कैसे कायम हो गया, ये नामुमकिन है। वो हमें नहीं मालूम पर ऐसा हुआ है, आप देख ही सकते हो तबाही रुक गई है, अब आपको कैसे भी करके सासा को वापस लाना पड़ेगा। ओए कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओए मुझे थोड़े दिन का टाइम दो सोचने के लिए। हाँ ठीक है, पर हो सके तो जल्दी करना। ओए ठीक है, ओए मुझे वो गैजेट वापस देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। हाँ मैं उसे आपके घर भिजवा दूंगा, उसे रिपेयर करके सासा को वापस ले आना। ओए पता नहीं चल रहा ये सब कैसे हुआ, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओए दोस्तों, मुझे बढ़िया गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों वो है मोस्ट बे, जिसमें वाइड गेमिंग सिलेक्शन और क्विक विड्रॉल है। गाइस इसमें एक डेली टास्क कंप्लीट करना होता है और विनर को मोपेड और 1000 गोल्ड वाउचर में से किसी एक को चुनने का मौका मिलता है। और दोस्तों अगर आप कोई गेम खेले और सेटिस्फाई ना हो तो आप अपने ब्राउजर के कैच को क्लियर कर लीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो गाइज मेरी ये जर्नी रही है ऑनलाइन गेमिंग में, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। आप भी अपने नॉलेज को यूज करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो मोस्ट बे से। तो गाइज देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक से साइन अप करोगे तो आपको 24,000 रुपए तक का साइन अप बोनस मिलेगा और 250 फ्री स्पिन्स। बहुत लोग प्राइसेस जीत चुके हैं इस पे, तो आप भी जरूर ट्राई करना। हिप्पू पता नहीं इसको साइंटिस्ट बनाया किसने, सारे को समझ तो कुछ आता नहीं। बाबू मोसाई उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो कर लेंगे, वो एक महान साइंटिस्ट है क्रिमिनल। हाँ हिप्पू, इसके अलावा हमारे पास और कोई सहारा भी तो नहीं है, चल घर चलते हैं, अंदर टीवी देखेंगे, अनुपमा शुरू होने वाला होगा। एक मिनट बाबू मोसाई, वो तो जाना पहचाना लगता है। अरे ये तो आदम सासा है क्रिमिनल, आदम सासा वापस आ गए। अरे मालिक माफ कर देना, मैं भटक गया था, इसलिए गलती से आपके घर के पास आ गया, सुप हो गया, मैं जा ही रहा हूँ, मालिक माफ कर दीजिए मालिक। अरे ये मालिक मालिक क्या कर रहा है, तू दिखता तो एकदम आदम सासा की तरह है पर तू वो नहीं है। मालिक मैं सासा नहीं, मैं तो नूब आदम हूँ मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मालिक। ठीक है चल घर के अंदर चल, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। चल बता तू कहाँ रहता है। अरे मैं प्रिमिस पुल में रहता हूँ, गलती से यहाँ भटक गया हूँ। ये क्या, ये कौन सी जगह है, ऐसा नाम तो पहली बार सुना मैंने। अरे ये तो बहुत ही फेमस गांव है, आपने नहीं सुना, वहाँ पर गोल्डन सकुला लाज करते हैं। अबे पर यहाँ तो डेमोक्रेसी है, राजा कैसे हो सकता है। एक मिनट बाबू मोसा, याद आया तू तो प्रिमिस है, दूसरे यूनिवर्स का आदम, तुझे कुछ याद आया, हम क्लॉक टावर पर मिले थे। अरे हाँ याद आया, तभी मैं सोचूं आपको कहीं देखा है। क्रिमिनल मैं समझ गया ये क्या हो रहा है, ये नूबड़ा आदम हमारे यूनिवर्स में आ गया और हमारे आदम सासा पक्का इसके यूनिवर्स में चले गए होंगे, इसलिए संतुलन कायम हो गया पर सासा नहीं लौटे। बात तो सही है हिप्पू, ये बात मैं साइंटिस्ट को बता देता हूँ, शायद इससे उससे कुछ मदद मिल जाए।
हेलो साइंटिस्ट, हम समझ गए क्या हो गया है। नूबे आदम हमारे यहाँ आ गया है और हमारे आदम शासा शायद उसके यूनिवर्स में सड़े गए हैं। अच्छा वे, इसीलिए संतुलन कायम हो गया। अबे सारे जानवर और नूबड़े अपने पिंजरे में है ना? हाँ मालिक, हम सब अपनी जगह पे ही है जी, कोई भी बाहर नहीं निकला। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते ना जी। हाँ तो चलो नूबड़ो, अब निकलो बाहर। आज किसकी बारी है पुतला बनने के, और नचनिया भी आ जाओ। अरे मालिक, आज तो मेरी बारी है रे। हाँ तो मेरा मुँह काहे देख रहा है, खड़ा हो जा वरना काट डालेंगे। ठीक है मालिक, अब अगले 24 घंटे के लिए मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। हाँ महाराज, तुझे ऐसे देखकर खुश हो गए और नचनियाओं को देखकर भी। हम सही से तो ठोम के लगा रहे हैं ना जी, वरना महाराज मेरा मोए मोए कर देंगे। हाँ क्लास, तू सही से लगा रिया है, पर मैक्सिम नहीं। जा तू जाके कार साफ कर। कितनी बार कार साफ करवाएगा, कल रात को ही तो की थी वो। अबे पता नहीं ये कैसी अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ, पर चलो कोई ना, मैं क्लॉक टावर पहुंच गया। वैसे ये क्रिमिनल ने तो बहुत ही बढ़िया सजा दिया है, और क्या बात है, पुतला लगाया है, ये तो एकदम रियलिस्टिक लगता है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए हैं। अरे ये क्या मामू, ये नूबड़ा आदम बाहर क्यों घूम रहा है? ये अंदर आ जा। अरे ये क्या, ये इतने सारे पेट्स हमारे पास कैसे आए? और ये क्या, ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? लगता है गुलाम रखे हैं। ये नूबड़े अगर जान प्यारी है तो अंदर आ जा वरना काट डालेंगे। अबे साले नूबड़ा किसे बोल रहा है, आदम चाचा हूँ यहाँ का मालिक। अबे तूने पी रखी है क्या, ये सकुरा महाराज का इलाका है। ये क्या हो रहा है यार, मुझे लगा ही था कि ये मेरा क्लॉक टावर नहीं है, शायद मैं दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ। भैया इस जगह का नाम क्या है? अबे ये प्रीमिस पूरे कट्ठे वाला ससुरा नूबड़ा बाहर क्या कर रहा है? ए इधर आ, कौन है भाई तू? अरे भाई साहब, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, मैं आदम चाचा हूँ और ये मेरा यूनिवर्स नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे भी हमें मजदूर की जरूरत है, जा अंदर चला जा। अबे ओ औकात मेरे, वरना यही सींग उखाड़ के पीछे डाल दूंगा। साले दो कौड़ी के नूबड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, बहुत मारूंगा। क्या हुआ, बस इतना ही दम है तेरे में? तो अब मेरी बारी। अरे इसने तो सेनापति को एक घूसे में ढेर कर दिया रे। ये तूने गलत किया नूब, अब तू मरेगा। क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हो गया? महाराज इस नूबड़े ने सेनापति को एक मुक्के में उड़ा दिया। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, शुरुआत उसने की थी। हम समझ सकते हैं सेनापति थोड़ा अड़ियल है, पर तुम अपनी औकात कैसे भूल गए? क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। हमारे राज में नूबड़े पिंजरे में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे नूबड़ों को बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अरे ये तो मुझे ही धमकी दे रहा है मेरे ही राज में आके। अरे नहीं नहीं, धमकी नहीं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर हमें ये नामंजूर है, इसे पकड़ के डाल दो पिंजरे में। तो तुम यही चाहते हो, तो ठीक है, खत्म कर दो इसे। अबे ये क्या है, ये तो बहुत ही ताकतवर है। मुझे लगा ही था साले लातों के पूत है, बातों से नहीं मानेंगे। सुनो गांव वासियों, तुम लोग आजाद हो, प्रो और नूब दोनों को बराबरी से देखा जाएगा, अब से इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा। अरे ये तो वही मसीहा है, भविष्यवाणी सच हो गई रे। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किसकी बात कर रहे हो? हमारे राजा जिसको इस गोल्डन सकुरा ने मारा था, उन्होंने मरने से पहले एक भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आसमान से एक बंदा आएगा और हमारी दुनिया में शांति कायम करेगा जी। हाँ और हम नूबड़ों को बराबरी का हक दिलवाएगा। मसीहा, हम हमारी जिंदगी आपके नाम करते हैं हो, आज से मरते दम तक हम आपकी सेवा करेंगे हो। अबे अबे पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से। एक सेकंड, ये फिर से मैं कौन सी जगह पर पहुंच गया, कोई गांव लगता है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। चलो आगे जाके देखता हूँ, किसी से बात करता हूँ।
ये लो सरकार आ गए। अबे ये क्या आपने आपकी मुंह से कटवा दी? क्या मुझे बोल रहे हो क्या? पहली बात तो ये मैं सरकार नहीं हूँ, मैं ब्लैक एडम हूँ। और दूसरी बात, मैं मुँह नहीं रखता। लगता है आप सठिया गए हो, सुबह सुबह पी ली क्या आपने? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। अच्छा आपकी याददाश्त चली गई है, अभी आपको याद दिलवाता हूँ। आप आदमपुर के बहुत बड़े डाकू हो और हमारा कमोड का कारोबार है। हम कमोड लूटते हैं, हमारे पीछे 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। अबे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी याददाश्त नहीं गई। अरे सरकार फिर तो आपको चढ़ गई रे। अरे नहीं, ये देखिए आपके घोड़े ने आपको पहचान लिया, आप आदम डाकू ही हो। एक काम कीजिए सरकार, घोड़े पे बैठ जाइए, हम एक चक्कर लगा के आते ही आपको सब याद आ जाएगा। हाँ ठीक है, तुम लोग बोल ही रहे हो तो चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। पर यार मुझे तो घोड़ा नहीं चलाना आता, तुम लोग बताओ तो सही। सरकार झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो बहुत ही अच्छी तरीके से चला लेते हो। अरे नहीं यार, ये घोड़ा तो अपने आप चल रहा है, मैं तो बस बैठा हूँ इस पे। तो फिर घोड़े की लगाम खींच लीजिए। अरे ये तो बहुत तेज भाग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। ये क्या, आप तो हमारे दुश्मनों के इलाके में जा रहे हो, वहाँ मत जाइए। अबे ये का, ये तो आदम डाकू है, लगता है हमारे कमोड लूटने आया है, वो भी भेस बदल के। अरे नहीं नहीं, हम तो बस घोड़े की चक्कर लगा रहे थे, गलती से यहाँ पर आ गए। सही मौका है ये तो तुमसे बदला लेने का, हम तुम्हें ना ही छोड़ेंगे आदम। अरे आप जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ भी बोल ले, आज तो मैं तुझे जिंदा ना ही छोड़ूंगा। आदम डाकू खत्म हो गया, आज से आदमपुर में हमारा राज होगा। अरे नहीं, ये क्या किया, हमारे सरकार को मार दिया, अब हम क्या करेंगे? अब मैं तुम सबको भी ना ही छोड़ूंगा। अबे कैसे लोग हो, एक कमोड के लिए तुम लोगों की जान लेते हो? ये क्या सरकार, सरकार आप जिंदा हो? अरे सभी लोग मारो साले को, जिंदा ना ही छोड़ना है। यही चाहते हो तुम लोग तो यही सही। अबे ये का, ससुरा उछल उछल के मार रिया है। गलत किया, अब हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। बड़े आए मुझे मारने वाले। सारा आपसे इस नूबड़े को साथ में ही घुमाना पड़ेगा, थोड़ी वैल्यू डाउन हो जाएगी मार्केट में। अले आप तो प्लो पेल हो, आपकी कौन सी वैल्यू डाउन होने वाली है, डाउन तो हमारी होती है। वैसे टेढ़े यूनिवर्स के बारे में कुछ बता, क्या होता है वहाँ पर? अले हमारे यहाँ गोल्डन सकुला महाराज है, वो हम सब नूबड़ों को कैद करके हमसे मद्दूली करवाते हैं, बस यही होता है हमारे यहाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मेरा मतलब है यार, ये तो गलत बात है, नूबड़ों से क्या कुछ नहीं करवाते यार। वैसे भैया आपकी कार भी मेरी तला नूब है। सारे मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझा? खासकर तेरे जैसे नूब के मुँह से, चुप साफ बैठ। क्या रे क्रिमिनल, कहाँ जा रहा है आज तो तू हाथ आ ही गया हो। मुझे और मेरे भाइयों को मार के भागा था ना, गलती कर दी तूने। अबे सारे बनी को अभी ही आना था, आदम सासा भी हमारे साथ नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे। अले ये लोग कौन है, इनके इलादे मुझे ठीक नहीं लगले। बाबू मोसा क्रिमिनल, ये तो हमें बहुत मारेंगे। चिंता मत कर पू, ये नूबड़ा है ना हमारे साथ, ये भी आदम ही है, ये उन सबको सबक सिखा देगा। क्या बात कर ले हो भैया, मैं कैसे इनको संभाल सकता हूँ? अरे तू भी तो आदम ही है, जा मार उन सबको, फिर हम संभाल लेंगे। ठीक है भैया, साले तेले को छोलूंगा नहीं। अरे तेरी ऐसी की तैसी हो, हमसे लड़ेगा तू नूबड़े? अरे इपू भागने में ही पढ़ाई है, चल जल्दी गाड़ी में बैठ। बाबू मोसाई नूबड़े, तू भी आजा जल्दी से। अरे यार ये लोग तो बहुत मालते हैं, आगे से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। चलो बच कर, कहाँ तक भागोगे हैं, एक दिन तो हाथ आ ही जाओगे। अले भैया जल्दी भगाओ, ये सब तो हमारे पीछे पल गए हैं। चिंता मत कर नूबड़े, ये मेरा रोज का है, कोई ना कोई मेरे पीछे पल ही जाता है रोज़।